आज मैं आप सबको हृदय से बधाई दे रहा हूं। एक संकल्प को हमने पूरा किया है, एक सपने को हमने साकार किया है। आखिर कितने दिन पहले यह संकल्प किया था कि हम 10 लाख डोज लगाएंगे? 18 को दोपहर को हम लोगों ने तय किया। 19 और 20 का समय हमें मिला और आज 21 जून के जो आंकड़े अभी ACS बता रहे थे, 14,68,000 डोजेज हम लगा चुके हैं और अभी भी अभियान जारी है। ये नंबर और सुधरेगा और संभावना है कि 15 लाख को क्रॉस कर जाए। ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसके साथ साथ हमने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, 1.5 करोड़ के लक्ष्य को हम पार कर चुके हैं। 1.5 करोड़ डोजेज लगभग उसके पास थे, हम ये और जोड़ेंगे तो लगभग हम 1.60 करोड़ के पार पहुंच गए। लेकिन आप देखिए कि किसी जिद से और जुनून से अगर कोई लक्ष्य तय किया जाता है, ठीक रोड मैप बनाया जाता है, टीम स्पिरिट पैदा करके हम काम में जुटते हैं, नियत ठीक होती है, अंदर इच्छा शक्ति और संकल्प होता है, तो बड़े से बड़े लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। यह आज हमारे टीकाकरण अभियान की सफलता ने सिद्ध किया है। मैं आज बधाई देना चाहूंगा अपने प्रदेश की जनता को, खूब बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया, समाज का हर वर्ग का सहभाग इसमें मिला। ये जो हमने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बना के कोरोना से मुकाबले के लिए जन भागीदारी का मॉडल खड़ा किया था, उसका उपयोग हमने कोरोना कंट्रोल के लिए भी किया और टीकाकरण की सफलता भी हमारे जन भागीदारी मॉडल की ही सफलता है। ये बिना जन भागीदारी के नहीं हो सकता था। सामाजिक संगठन, एक नहीं अनेकों स्वयंसेवी संस्थाएं, यहां तक के तड़वी पटेल मुकदम, पंच सरपंच, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज के लोग, पार्षद, मेयर, पूर्व मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, ये जनप्रतिनिधि जुटे। लेकिन हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने भी, हमारे सभी मंत्रीगण, प्रभु राम जी और विश्वास सारंग जी तो जुटे हुए थे, लेकिन मेरे सारे मंत्री साथियों ने अद्भुत परिश्रम किया। सांसद मित्रों को हमने जोड़ा, विधायक साथी हमारे जुड़े और उन्होंने वैक्सीनेशन के पक्ष में जबरदस्त वातावरण का निर्माण किया। धर्म गुरुगण जुड़े, सबने अपने वीडियो अपलोड किए, मैंने सीधे बात भी की थी उनसे। हर संप्रदाय का के और उपासना पद्धति के धर्म गुरु जुड़े, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सेवा भारती पूरी ताकत के साथ जुटे, अलग अलग धार्मिक संस्थाएं जुटी, सामाजिक संस्थाएं जुटी, हमारी जन अभियान परिषद के मित्र, कोरोना वॉलंटियर्स जुड़े, जन अभियान परिषद ने बाकी और कई साथियों को जोड़ा, हमारे कलेक्टर्स ने, जिला प्रशासन ने, ऊपर के अधिकारियों ने भी पूरे समर्पित भाव से इस अभियान को पूरी ताकत से चलाया। कलेक्टर्स हो, नीचे के अधिकारियों, हमारे CMHO, हमारे DIO, सबके सब पूरी ताकत से जुट गए। पत्रकार, चिंतक, लेखक, साहित्यकार, कलाकार, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, वकील, जब सब जुटे और जुड़े तो एक अद्भुत वातावरण पूरे प्रदेश में बना। और कल जैसे वीडियो अपलोड हो रहे थे, छोटे छोटे बच्चे भी, बेटियां बोल रही थी,
वैक्सीन लगवाने की अपील कर रही थी, आत्मीयतापूर्ण और भावुक अपीलें आई। नोबेल पुरस्कार विजेता जिनको पद्मश्री मिली, ऐसे हमारे मित्रों साथी, मैं संक्षेप में कहूं तो पूरा समाज जुट गया। और इसलिए आज हमको इतनी शानदार सफलता मिली है कि जिसका अंदाज शायद किसी को नहीं था। मैं एक बार इस अभियान में सम्मिलित सभी मित्रों को, संस्थाओं को, अपने प्रशासन को, नेशनल हेल्थ मिशन की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन आज फिर एक और संकल्प पैदा हुआ है, अब दूसरी लहर की भयंकरता को हमने झेला है, आपसे ज्यादा कौन ने झेला है। रोज अस्पताल, ऑक्सीजन, दवाइयां, इंजेक्शन, पेशेंट्स की हालत हमने देखी है। अब हमारा संकल्प है कि हम अपने मध्य प्रदेश की पात्र आबादी को पूरी तरह से वैक्सीनेट करने के, सबको वैक्सीन लगाने के अभियान में दुगने उत्साह से जुटेंगे। काम खत्म नहीं हुआ, काम शुरू हुआ है अभी। आप लोग समापन मत मान लेना कि आज के बाद काम खत्म, आज के बाद बड़े लक्ष्य के साथ फिर काम शुरू। इसलिए डोजेज हम लगातार प्राप्त करते जाएंगे, लगाते जाएंगे, वातावरण बन गया है। आज मैं कई क्षेत्रों में गया, एक अनुसूचित जाति की बस्ती में, गांव में, मैं जातिगत बात नहीं कर रहा, लेकिन भोपाल में गया, अनुसूचित जनजाति के गांव पहुंचा, अनेकों तरह के भ्रम थे, वो भ्रम लगभग दूर हो गए और सब ने तेजी से वैक्सीन लगाने का अभियान चलाया है। अब हमको अपनी पात्र आबादी का टीकाकरण करके तीसरी लहर से मध्य प्रदेश को सुरक्षित करना है। जिंदगी बड़ी अमूल्य है, जीवन भगवान ने जितना दिया है सबको जीना चाहिए। बीमारी के कारण असमय किसी को नहीं जाना चाहिए। और इसलिए कोरोना के तीसरे लहर के जिसकी संभावनाएं, आशंकाएं हम देख रहे हैं, दुनिया के दूसरे देशों में तीसरी और चौथी लहर आ रही है, अनलॉक होने के बाद हम सावधानी सारी रखेंगे। हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात कर रहे हैं, हम फिजिकल डिस्टेंस बनाने की बात कर रहे हैं, मास्क की बात कर रहे हैं, टेस्ट लगातार करते रहेंगे, उनमें कभी किसी भी कीमत पर नहीं आने देंगे, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी करेंगे, किल कोरोना अभियान भी चलाएंगे, वो सारे उपाय करेंगे। अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं हमको बढ़ानी है, बिस्तर की संख्या हो, ऑक्सीजन प्लांट्स हो, दवाइयों का इंतजाम हो, इंजेक्शन की व्यवस्था हो, वो सारी रणनीति हमने बनाई है। लेकिन अंततः वैक्सीन ही सबसे प्रभावशाली उपाय है। मेरे दिल की अगर मैं बात कहूं, एक, किसी भी कीमत पर हम अपनों को खोते हुए अब नहीं देखना चाहते। नंबर दो, हम ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहते हैं कि जिससे अगर थर्ड वेव आने की प्रक्रिया प्रारंभ भी हुई तो हम तभी थाम लें, उसको विनाशकारी होने से बचा लें। और ये काम बाकी सब चीजों को करते हुए वैक्सीनेशन सबका करके हमको करना होगा, सबको टीका। और जब रोज अभियान चलेगा, सामान्य अभियान तो आज से प्रारंभ हुआ, आप ये मानिए, हम 1, 2, 3 जुलाई को फिर विशेष अभियान चलाएंगे, एक दिवसीय नहीं 3 दिवसीय चलाएंगे, अधिकतम डोजेज प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि वो डोजेज हमको मिल जाए और हम डोजेज लगा के अपनी जनता को सुरक्षित कर लें, कोरोना के संक्रमण का मुकाबला करने लायक हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बने, जनता की, इस बात को सुनिश्चित कर लें। तो निश्चित तौर पर मेरा विश्वास है हम कोरोना के संक्रमण को थाम लेंगे, आएगी लहर तो भी उस पर मुकाबला करके विजय प्राप्त कर लेंगे,
अस्पताल में आ तो लोग जाएंगे ही नहीं, वैसे तो दो डोज के बाद बहुत संभावना कम होती है संक्रमण की, थोड़ा बहुत हुआ तो घर पे ठीक हो जाएंगे, अपवाद स्वरूप अगर अस्पताल गए तो वहां से भी ठीक होकर आएंगे। और इससे पवित्र काम इस समय और कोई दूसरा नहीं है, लोगों की जिंदगी बचाने से बड़ा काम और कोई हो ही नहीं सकता। तो लोगों की जीवन को बचाना है, जिंदगी को बचाना है, ये जिंदगी बचाने का अभियान है। इसमें नई शक्ति और नई ऊर्जा के साथ हम फिर जुट जाएं। अभी मैं डोजेज का पूछ रहा था, तो अभी तो अपने पास 19-20 लाख डोजेज कल जो मिलेंगे फिर टोटल हो जाएंगे। तो हम रोज पूरी ताकत के साथ टीकाकरण के अभियान को चलाएंगे, अवेयरनेस कैंपेन भी चलती रहेगी, और विशेष अभियान जैसा 1-2-3 जुलाई अभी तय किया है समय समय पर, यह विशेष अभियान भी हम चलाते रहेंगे। और मुझे पूरा प्रयास पूरा विश्वास है आपकी संकल्प शक्ति के सहारे, आपकी कर्तव्य निष्ठा और आपके परिश्रम के सहारे हम संपूर्ण वैक्सीनेशन का हमारा लक्ष्य प्राप्त करके अपनी जनता को पूरी तरह से सुरक्षित करेंगे। मैं एक बार फिर आप सबको विशेष रूप से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, और इस अभियान में सहयोग करने वाले सभी संस्थाओं को, सभी साथियों को, सभी जन नेताओं को, अलग अलग पर्सनालिटीज को मैं एक बार फिर बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। नए सिरे से फिर हम काम प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।